लिहाजा आज इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है आर्गूमेंट सुनने के बाद जैसा भी इस पर फैसला कर देंगे, जिस पर यही होगा जो 100% मुझे भी यकीन है जो केस लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि फ्यूजिटिव फ्रॉम जो लॉ होता है उसकी तरफ से कोई भी वकील भी नहीं पेश हो सकता और प्रोसीडिंग आगे बढ़ करेगी। आज ये अगर इनकी एप्लीकेशन खारिज हो जाती है तो उसमें ये स्पेसिफिकली चीज़ जैसा आपको लिखनी चाहिए मेरे ख्याल में जो हमें आर्गूमेंट्स दिए थे इनकी तरफ से कोई वकील भी पेश नहीं हो सकता। अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती तो इंशाल्लाह तआला समझे फिर आपका केस बस महीनों में इंशाल्लाह दो या तीन महीनों में, लेकिन ये जैसा भी डिस्क्रिप्शन है कि वो एप्लीकेशन का फैसला आज करते हैं कल करते हैं। मैंने रिक्वेस्ट कर दी है कि आपके लिए छोटी डेट दी जाए, जो ही वो फैसला करेंगे उसके साथ आज आईओपी आया हुआ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर वो खारिज करते हैं दरख्वास्त को तो आज इन्वेस्टिगेशन का जो है वो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। लिहाजा बस दुआ करें अगर आप लोगों ने बैठने वेट करना है बैठ जाएं, लेकिन इसको डिसाइड करते हुए चार भी बच सकते हैं तीन भी बच सकते हैं। बस आपके लिए यही एक अच्छी खबर है कि ये अगर एप्लीकेशन आज खारिज हो जाती है तो समझें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अगर खारिज नहीं होती तो अगर ये खारिज नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल मेरा इस पर दूसरी राय नहीं है कि ये खारिज क्यों ना, जब हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेफरेंस उनको दिए हैं और जज साहब का अपना भी माशाल्लाह एक लीगल एक्सपर्ट है और वो इस चीज़ को समझते हैं। आप लोगों को बस यही है कि जब आप आएँ डिसिप्लिन के साथ आएँ और पाँच छः बंदे ऐसे हों जो कोऑर्डिनेशन में सारे इकट्ठे हों ताकि जिनको पता हो कि जिसने बोलना है एड्रेस को, आपने कोशिश आपने देखा होगा कि मुखालिफ तरफ से बेतहा कोशिश की गई कि आप लोगों को बाहर निकाल लें। हाँ जी आपने देखा, उसके बावजूद आप लोगों को रिप्रेजेंट किया गया खड़ा किया गया नहीं कि ये सुनेंगे सब, आपने हौसले हिम्मत किया अदालतों में इस तरह की बातें होती हैं इसलिए आपने परेशान नहीं होती और ना आपने इसको जैसे कहते हैं अपना हौसला हारना और ना आपने कोई गुस्सा करना है किसी चीज़ का। मैं ये फिर कहूँगा आप लोग अपना केस खुद खराब करेंगे अगर कोर्ट के डिकोरम को खराब करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने जज साहब को बस दो से चार जुमले जो आप समझते हैं ज़रूरी है इससे ज़्यादा नहीं, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे एक अच्छी प्रोसीडिंग का स्टार्ट इंशाल्लाह। डेट भी अभी ठहर के पता चलेगी जब ऑर्डर होगा उसके बाद उसमें लिखेंगे कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग क्या और क्या प्रोसीडिंग है, इंशाल्लाह ताला ये दरख्वास्त आगे जो इंशाल्लाह मेहरबान।